आप देख रहे हैं DDI न्यूज योर ऑन नेटवर्क, देश दुनिया की खास खबरें। देश भर के साथ मथुरा जनपद में आज बकरीद का त्यौहार शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जनपद की विभिन्न मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। डी गेट स्थित शाही ईदगाह पर भी नमाज अदा की गई और इस अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। देखिए, ईद के दृष्टिगत सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी जो सभी व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित करा रहे हैं। हम और SSP साहब पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित किया गया है। पेयजल की आपूर्ति और बिजली की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से रहे, इसे भी सुनिश्चित किया गया है। ईद का त्यौहार यहाँ नमाज अब समाप्त हो गई है जनपद मथुरा में, तो शांति का माहौल है और ईद बहुत ही सकुशल यहाँ पर संपन्न हो रहा है। देखिए, आज जनपद मथुरा में ईद के त्यौहार के ऊपर सभी जगहों पे ईद सकुशल संपन्न हुई है, नमाज सकुशल संपन्न हुई है। सभी जगहों पे पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, अलर्टनेस बनाई हुई है। जनपद में मुनिया पूर्णिमा का भी मेला है तो सभी जगह पर अलर्टनेस है, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील है। हमारे DM साहब भी लगातार फील्ड में भ्रमणशील है। जनपद में शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं नहीं है। सबसे पहले इस पर की सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों ने SP सर ने जो है सब भ्रमण किया, CEO साहब ने पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया। नमाज लोग संपन्न हो चुकी है ज़्यादातर मस्जिदों पर और जो सब अच्छे इंतजाम रहे हैं, साफ़ सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था रही, फोर्स भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थी। इस तरह से हम लोग जो है इस त्यौहार को जो है सब प्लस संपन्न कराने के लिए पूरा प्रशासन सजग है, सजग है। सबसे पहले जनपद वासियों को ईद उल अजहा की हमारी तरफ से ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएँ। हर्षोल्लास से अपने त्यौहार को लोग मनाएँ। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने 2-3 दिन पहले से ही इसका चेकआउट प्लान लगाया था। उस प्लान के तहत ही आज फोर्स डिप्लॉयमेंट है, करीब 80-85 पॉइंटों पर फोर्स डिप्लॉय है। 2 कंपनी PAC भी लगी हुई है। सकुशल ईद की नमाज सारे मस्जिदों में अदा हो गई है, कुछ 1-2 मस्जिदों को छोड़ के। बाकी ईदगाह की और जामा मस्जिद की ईदगाह सकुशल सम्पन्न हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत हम लोग ये ड्यूटियाँ अभी निरंतर जारी रखेंगे। बाकी सब आप लोगों के सर क्या संदेश देना चाहते हैं ब्रजवासियों को जो आने वाले त्यौहार हैं? ब्रजवासियों को सबसे पहले मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जिस तरह हमारी संस्कृति रही है, हमारी सभ्यता रही है, जिस तरह ब्रजवासियों का पूरे विश्व में व्यवहार रहा है, वो हम मनाए रखें और अपने त्यौहार को मिलजुल के सकुशल अच्छे से मनाते रहें। मैं डॉक्टर अबराल हुसैन, जॉइंट सेक्रेटरी शाही मस्जिद का कमेटी, ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर सभी ब्रजवासियों को, अपने मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत ईदी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ ईद का, ईद उल अजहा की नमाज का यहाँ जो आयोजन था समस्यापूर्वक और शांतिपूर्वक हुआ है और उन्हें एक बार सभी ब्रजवासियों को शाही मस्जिद जानब से और अपने जानब से बहुत बहुत ईदी मुबारकबाद। ब्रजवासियों और देशवासियों का क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा देश और विशेष रूप से ब्रज शांति का क्षेत्र है और यहाँ तो गिरिराज श्री कृष्ण और अफगान की नगरी कही जाती है। यहाँ पूरी अमन और भाईचारे का हमेशा से माहौल रहा है और हमेशा से ही माहौल रहे। कुछ लोग जो इस भाईचारे में नज़र लगाना चाहते हैं तो आज इस मौके पर हम तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि ऐसे लोगों का मुँह काला करें और भाईचारे का बोलबाला करें, सब अमन से सुकून से रहें, अपनी नमाज पढ़ें, लोग भाइयों अपना भजन कीर्तन करें और भाईचारे को बनाए रखें। इसको क्या कहेंगे, ये भाईचारे मनाया जाता है त्यौहार, प्रशासन का थोड़ा सहयोग रहा है तो उसमें नमाज अदा करवाई। अगर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं और बढ़िया व्यवस्था की गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे कि जो नए सर आए हैं SP साहब, उनका बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। उन्होंने जो है ईद की नमाज के लिए कहा